आज 28 अप्रैल, आज के दिन तक, अभी तक जो है 543 केस थे और लास्ट 24 घंटे में 12 नए केस हमको मिले हैं और कुल पॉजिटिव केसेस 555 केसेस कुल केस हुए हैं। लास्ट 24 घंटे में हमारे सूरत में अभी तक मृत्यु संख्या 0 है और कुल मृत्यु की संख्या 19 है। जो डिस्चार्ज हुए हैं वो अभी तक 19 डिस्चार्ज हुए हैं और आज आनंद के साथ आपको ये कहना अच्छा लग रहा है कि अभी दूसरे 17 लोग, उनका जो रिपोर्ट है वो दूसरी बार नेगेटिव आया है, तो ये जो दूसरे 17 लोग हैं वो भी डिस्चार्ज होंगे। तो इससे हमारा जो डिस्चार्ज का रेट है, जिसको हम रिकवरी रेट कहते हैं, उसमें एक बढ़ोतरी होगा और उससे जो है सबको ये विश्वास बैठेगा कि कोरोना से काफ़ी लोग रिकवर होते हैं और कुछ ही लोगों का ये प्रॉब्लम हो सकता है जो कोमॉर्बिड और एजेड पेशेंट हैं। जो पॉजिटिव केसेस हैं, अगर उसको जोन वाइज देखा जाए तो हमारे लिम्बायत जोन में 223 सबसे ज़्यादा लिम्बायत जोन में हमको केसेस मिले हैं और उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई जोन में है तो वो सेंट्रल जोन में 82 है, उसके बाद अगर कोई जोन में है तो वो बराछा ए में है और उसके बाद जो है कतारगाम में 60 है, उधना में 47 है और हमारा बराछा बी में 10 है, रांदेर में 37 है और अठवा में 19 है। सबसे कम केसेस बराछा बी और उसके बाद कम केसेस हमारे अठवा जोन में है और उससे कम केसेस हमारा रांदेर जोन में है। जो परीक्षण हुआ है, टेस्टिंग हुआ है, उसमें अगर देखा जाए तो अभी तक 10,458 सैंपल लिए गए हैं और उसमें 555 पॉजिटिव आए हैं, 9,877 नेगेटिव आए हैं। आपको ये हम कहना चाहेंगे कि सूरत में जो टेस्टिंग हो रहा है वो काफ़ी टेस्टिंग पर मिलियन, अभी हमारा जो सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन 44 लाख है, उसको अगर हम 50 लाख भी गिने तो अभी के हिसाब से पर मिलियन जो है वो 2,000 टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष में कोई भी सिटी के कंपैरिजन में हम लोगों का जो है वन ऑफ द हाईएस्ट टेस्टिंग सिटीज वो सूरत है। जो क्वारंटाइन है, अभी होम क्वारंटाइन 2,258 लोग हैं, जो प्राइवेट में क्वारंटाइन है वो 0 हैं और जो टोटल क्वारंटाइन है वो 2,793 लोगों को वहाँ क्वारंटाइन हुए हैं। 553 लोग ऐसे हैं जो हमारे कॉरपोरेशन के दूसरे जोन्स में, जो विकेंद्रीकरण क्वारंटाइन का सिस्टम किया गया है उसमें 535 लोग हैं और कुल हमारे जोन में 9 क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं। तो ये जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, ये क्वारंटाइन सेंटर्स अभी हमने ये निर्णय किया था कि जहाँ जिसका घर पे सेपरेट व्यवस्था हो सकता है, उस घर पे उनका अगर सेपरेट टॉयलेट और सेपरेट रूम का व्यवस्था है तो वो क्वारंटाइन हो सकते हैं। ऐसे ही आज एक नया जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से नया गाइडलाइन आया है, उसके मुताबिक अगर कोई पॉजिटिव एसिम्प्टोमैटिक पेशेंट हैं और उनके घर पे ये व्यवस्था है, उनके घर पे अलग रूम और अलग टॉयलेट की व्यवस्था है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ करके वो संपूर्ण रूप से अगर होम मैनेजमेंट, होम आइसोलेशन हो सकता है तो इसका प्रावधान किया गया है। आज के बाद जो जो लोगों का पॉजिटिव होगा बट एसिम्प्टोमैटिक केस होगा,
और उनके घर में रहने के लिए व्यवस्था तंत्र होगा, तो उस केस में हम असिम्प्टोमैटिक पेशेंट को भी होम आइसोलेशन करेंगे, लेकिन उनके साथ एक मेडिकल ऑफिसर को वो लिंक करेंगे, और मेडिकल ऑफिसर के साथ साथ हर जोन में एक एम्बुलेंस, डेडिकेटेड एम्बुलेंस के भी व्यवस्था होगा, और अगर जरूरत पड़े तो उनको शिफ्ट हॉस्पिटल में किया जा सकता है। ऐसे प्रावधान आगे के दिनों में भी होंगे। उसके लिए जो नीति है वो नीति आज के बाद ये आ गया है, और आज के बाद अगर कोई असिम्प्टोमैटिक केस मिला तो उस केस में हम ये नया गाइडलाइन का फॉलो करेंगे, और जो स्लम और स्लम लाइक एरियाज हैं उसमें ये शक्य नहीं होगा। इसके लिए जो हमारा कोविड केयर सेंटर समरस में है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और कोविड केयर सेंटर में जो जहां ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सेल्फ आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में कोविड केयर सेंटर का उपयोग होगा। हमारे जो एक्टिव और पासिव सर्वेलेंस के हिसाब से अभी तक जो ARI के केस मिल रहे हैं उसके ऊपर टेस्टिंग का हमारा स्ट्रैटेजी बन रहा है। आज हम लोग जो एरियाज पूरे हम लोगों को लगता है कि उसमें केसेस नहीं हो, उस हिसाब से भी हमने कुछ एरियाज सिलेक्ट किए हैं, और ये पूरा जो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन उसको कंप्लीटली एक लोगों के समक्ष रख के, मैंने जैसे कल आप सब लोगों से बात किया था कि जो रेड और ऑरेंज और ग्रीन जोन उसमें कैसे कन्वर्जन होगा, उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, लोगों के द्वारा क्या-क्या एक्शंस हमको अपेक्षित है, इसके बेसिस पर ये रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन चेंज हो सकता है। आपको बताएं कि हमको अभी आपको पता है कि डायलिसिस होता है दूसरे भी ब्लड्स के, जो ये एरियाज में खास करके हमको ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन है उसके लिए भी ब्लड की जरूरियत होता है, तो अभी लॉकडाउन के कारण जो ब्लड डोनेशन शक्य नहीं बन रहा है, उस केस में जो वो काफी सारे हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल्स में टेलीफोनिक रूप से जो दाताएं हैं उनका लिस्ट है, उनको फोन करके उनको प्रोत्साहित किया जाता है, और जिसके माध्यम से कल और आज हमको 55 ब्लड यूनिट प्राप्त हुए हैं। जो ICDS डिपार्टमेंट और शिक्षण डिपार्टमेंट, ये सब, ये पूरा जो हमारा कोविड और अलाइड एक्टिविटीज है उसमें एंगेज्ड हैं। जो हर जगह को डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन का जो व्यवस्था है वो हर पॉजिटिव केसेस के किस्सा में, मेडिकल के किस्सा में, क्रिमेटोरियम शमशान भूमि के किस्सा में उसको डिसइंफेक्शन जो किया जाने का प्रक्रिया है वो अभी तक हम लोगों को 2,44,253 लीटर हमको सोडियम हाइपोक्लोराइड मिला था, और उससे लगभग 2,03,500 लीटर का इस्तेमाल अलग-अलग जगह पर किया गया है। कोरोना कमांडो जो है वो उसकी ताजा बढ़ती जा रही है। ये बहुत ही अच्छा आनंद का ये समाचार है कि अभी तक सूरत के लिए 11,000 जो सिटीजन हैं शहर के, वो लोग बोले हैं कि वो अपने इच्छा व्यक्त किए हैं कोरोना कमांडो बनने के लिए। जो पॉजिटिव केस शहर में जहाँ जहाँ हमको मिला है वहाँ भोजन व्यवस्था धीरे धीरे हम बंद करने का सोच रहे हैं। बहुत सारे किस्साओं में ऐसा हमको मिला है कि भोजन केंद्र में हमारे जो SMC के स्टाफ हैं उनमें कहीं पॉजिटिव केस आया है, तो उस केसेस में जो भोजन केंद्र में पॉजिटिव केसेस के कारण इन्फेक्शन हुआ है उस केसेस में भोजन व्यवस्था हम उसको बंद करेंगे। SBNIT के द्वारा एक ऑटोमेटेड ट्रॉली रोबो स्पीमेर को
और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए भोजन व्यवस्था और दवाई का वितरण के लिए दिया गया है। उसमें बहुत ही अच्छा हमको एक जो रोबो प्राप्त हुआ है SBNIT के तरफ से, हम शुक्रगुजार हैं और उनसे हम आनंद ये बात की है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे कम्युनिटीज जो हैं आगे बढ़ के सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को काफ़ी कोविड फाइट के लिए मदद कर रहे हैं। जो जुर्माना है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, आज 27 व्यक्तियों के पास से 27,200 रुपया, मास्क ना पहनने के लिए 30 व्यक्तियों से 30,500 रुपया, और सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करने के लिए 11 व्यक्तियों से 1,500 रुपया। और ये जो अनाज दुकानें हैं, सब्जी मंडी है, सब्जी का लारी है, मेडिकल स्टोर है, दूध दही डेयरी है, और अलग अलग जगह पर हमने लगभग 80,200 का जुर्माना किया गया है। आपको मैं बताऊं कि केंद्र के टीम अभी सूरत में है, और ये जो जुर्माना हुआ है, ये जो एनफोर्समेंट का काम सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है, उससे केंद्र का टीम खूब प्रभावित हुए हैं, और ये पेनल्टीज जो है उनको इससे कॉन्फिडेंस ये है कि आगे वाले दिनों में भी इससे हमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोरोना को, उसका वायरस जो है, उसको संक्रमित होने से हमको ये जो जुर्माना है और एनफोर्समेंट का कामगिरी है, इससे हमको सफलता प्राप्त होगी। संवेदना सूरत केयर्स अभी तक हम लोगों को जो भोजन व्यवस्था है उसके खाद्य सामग्री के लिए 2,546,000 किलोग्राम का अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई है। अभी तक सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये कोविड फाइट के लिए लोगों ने नाणकीय रूप से मदद भी किया है। उससे अभी तक 4,45,42,891 रुपया का योगदान लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ है। भोजन व्यवस्था अगर देखेंगे तो अभी 8,83,450 फूड पैकेट का वितरण आज के दिन में हुआ है, और ये जो व्यवस्था है इसमें हमने अक्षय पात्र के मार्फत 1,09,000, हमारे अलग अलग एजेंसीज के मार्फत 78,000, और ऐसे अलग अलग एनजीओस के तरफ से लगभग 6.5 लाख जितने फूड पैकेट्स की अरेंजमेंट किया गया है। ये संपूर्ण जो कामगिरी है ये काफ़ी बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आगामी दिवसों में ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था धीरे धीरे लोग ड्राई राशन के तरफ चलें, और काफ़ी आगे वाले दिनों में भी इसको लेके कोई भी इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए जो भी करना होगा वो सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाएगा। मैं कल जो है आपको इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, उसमें जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो हमारे सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टाफ हैं, जो हमारे पुलिस के स्टाफ हैं, और जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको क्या-क्या इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर मैं कल ज़्यादा फोकस करूँगा। आज के लिए आपने हमको सुना, उसके लिए आभार व्यक्त करके धन्यवाद।